तो हेलो दोस्तों, अपन आ गए एक और नई वीडियो लेके। आज मैं देने वाला हूँ मूवी रिव्यू ऊपर PS2 और एजेंट के ऊपर, जो कि कल ही रिलीज़ हुई है दोनों की दोनों। और दोनों मूवी के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एजेंट मूवी की, जिसमें अखिल और मामूटी जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं। ये मूवी असल में एक स्पायर थ्रिलर मूवी होनी चाहिए, पर इसमें थ्रिलर था नहीं, ना एक्टिंग की भी बहुत कमी थी, VFX क्वालिटी भी इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वैसे इसका बजट 80 करोड़ था और इसे बनने में 3 साल लगे, पर फिर भी अगर ये फिल्म बॉलीवुड से बनी होती तो बहुत बुरी ट्रोल होती, पर अब ये होगी नहीं ट्रोल। वो खैर ये बात छोड़े, अपन बढ़ते हैं अब आगे इसके कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। इसकी पॉजिटिव ये है कि इसकी सपोर्टिंग कास्ट की बहुत अच्छी एक्टिंग करी गई है, विलन्स का भी सीन बहुत अच्छी एक्टिंग की गई है, और स्पेशली मामूती सर ने जो है ना उनने मूवी को संभाला हुआ है। पता नहीं इसमें सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ख़राब है, कहीं से भी कुछ भी बैकग्राउंड म्यूज़िक उठा के डाला गया है, मतलब वो वाइब नहीं देता जैसे आप समझ रहे हो ना स्पाई मूवी में देना चाहिए। इसके अलावा इसके जो डायरेक्टर से पता नहीं इतनी बड़ी डायरेक्शन में गलती कैसे हुई, क्योंकि उनकी पहली मूवीज़ काफ़ी अच्छी थी। अगर आपने ध्रुवा मूवी देखी हो या लकी द रेसर देखी हो, अल्लू अर्जुन की, वो इन्हीं डायरेक्टर ने बनाई है, काफ़ी अच्छी थी। पता नहीं ये मूवी में ऐसी गलती कैसे हुई। खैर छोड़िए, आपको अगर आप के फैन हैं तो आपको एक बार ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए थिएटर में। बाकी आप इसे बोल सकते हो साउथ की हीरोपंती बोल सकते हो, पर इतनी भी बुरी नहीं है। हीरोपंती 2 की बात कर रहा हूँ, अच्छी मूवी है, काफ़ी आपको स्टोरी दी जाएगी, पर कई कई जगह फ्लो है इसके, पर आप इसको एक बार तो देख ही सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली मूवी के रिव्यू की। अब PS2 मूवी की बात करें तो ये मूवी तो हिट जानी ही है, तो चलिए इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। पर सबसे पहले इसके बजट जान लेते हैं। इसका बजट है 200 करोड़, अगर मैंने नेट पे देखा, पर अभी कंफर्म नहीं है। पर फर्स्ट जो पार्ट इसका रिलीज़ हुआ उसने दोनों बजट का मिला के रिकवर कर लिया। अगर ये मूवी हिट नहीं जाती तो भी काफ़ी पैसा रिकवर हो चुका है। बाकी इसके कुछ स्टार्ट करते हैं अपन नेगेटिव से। तो ये फर्स्ट मूवी का जो फर्स्ट हाफ है बहुत स्लो फील होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बिल्डअप होता है, थोड़ी रिवील होते हैं, कोई एक्शन सीन नहीं है फर्स्ट पार्ट में, इतने कुछ बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने इसका जो पहला मूवी का जो पार्ट वन है वो मैं भूल गया था, जो थोड़ा फर्स्ट हाफ को देखते देखते मैं याद कर रहा था। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ एक बार पार्ट वन दोबारा देख लीजिए इस मूवी को देखने जाने से पहले, क्योंकि आपको थोड़ा इसकी वापस याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसकी दूसरी कमी ये है कि मूवी एक जो नॉवल पे बनी है वो बहुत बड़ी है इसकी, तो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल दिखाता है। बाकी की अब इसके पॉजिटिव की बात करें तो स्पेशली इनमें सभी एक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है, स्पेशली विक्रम सर, कृति, ऐश्वर्य राय और प्रकाश राज सर की एक्टिंग तो लाजवाब है। इसमें त्रिशा का रोल थोड़ा कम है, क्योंकि ज़्यादातर फोकस ऐश्वर्य राय पे और उनकी स्टोरी पे किया गया है। बाकी सेकेंड हाफ इसका बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसके VFX बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें एक्शन है, आपको वॉर के सीन भी दिखते हैं। ऊपर से इसके जो VFX है वो काफ़ी लाजवाब है, ऊपर से जब वॉर का सीन होता है बैकग्राउंड स्कोर जो है काफ़ी एकदम मज़ा आ जाता है सुन के। ऊपर से मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा, आप इसको अपनी फैमिली के साथ जाएँ या अपने दोस्तों के साथ जाएँ, इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखें, आपको दिन बन जाएगा ये मूवी देख के। जी कई कई लोगों को ये मूवी बहुत स्लो फील होगी, जिनको पार्ट वन अच्छा नहीं लगा उनको पार्ट टू भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ये मूवी बनी नहीं है। मूवी आप उन लोगों के लिए बनी है जिनको स्लो पिक्चर पसंद है, जिसको हिस्ट्री ऐसी पिक्चर पसंद है, उनके लिए ये मूवी बनी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे को और रिव्यू में और क्या सुधार करना चाहिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं और नेक्स्ट वीडियो में अपना सुधार कर सकूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। I won't look back now.